हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडिया एजुकेशन सो फ्रेंड्स आर एस पी सी बी देट इज़ राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वैकेंसीज़ आउट की हैं अब यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं दैट ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2020 को जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है ओके okay. अब नोटिफिकेशन की डिटेल डिस्कस करने पहले से मैं आपको बता दूँ दैट योर पीडिया चैनल को अब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो सो so दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बिकॉज़ अभी सभी स्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आउट होनी है तो आपकी कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं होनी चाहिए ओके एंड सेकेंड बात जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लो सो so दैट जो नोटिफिकेशन का आपको पॉप के पॉपअप के अंदर पता चलता है फोन के अंदर पॉपअप के अंदर तो वो भी आपको पता चलता रहे ओके नाओ डिस्कस करते हैं ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आपके पास जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी है एक जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की वैकेंसी है ये जो जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की वैकेंसी है सेकंड वाली ये 86 सिक्स वैकेंसीज हैं ओके एंड जूनियर जो साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी है जी वो ट्वेंटी है अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दैट पे लेवल ट्वेल्व है आपका फर्स्ट वैकेंसी के लिए एंड सेकेंड के लिए पे लेवल टेन अब लास्ट डेट जहाँ क्या है इसका कब स्टार्ट हुआ है तो ट्वेंटी फोर्थ ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी से लेके कर ट्वेंटी थर्ड ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी रात बारह बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं ओके okay, ना ये वेबसाइट है जहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है फॉर्म में अप्लाई करते हुए देन यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर और यू कैन मेल एट दिस ई मेल आई डी ओके Now, अब कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वैकेंसीज का आप यहाँ पे देख सकते हो नाव नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में और डिटेल की क्या क्या रिक्वायरमेंट है ओके okay, अब जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए जो आपका फ़र्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और सॉयल साइंस और इन्वायरमेंट साइंस और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया तो आपका इनमें मास्टर डिग्री होना चाहिए ओके एंड जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए मास्टर डिग्री इन एनवायरमेंट इंजीनियर आफ्टर बैचलर्स डिग्री आइदर इन बायोटेक्नोलॉजी केमिकल सिविल माइनिंग इन्वायरमेंटल और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ ओके ना अब इसके अलावा क्या है आप अगर आपने मास्टर डिग्री नहीं की है और तो यहाँ पे और लिखा है एंड नहीं लिखा है ओके तो आप बेसिकली अगर आपने फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री की है इन एनी अब अब ब्रांचेस कौन सी ब्रांचेज बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी केमिकल सिविल माइनिंग इन्वायरमेंटल टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के अंदर तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं अब अगर फर्स्ट डिवीजन का मीनिंग क्या है कि मिनिमम 60 परसेंट और सिक्स सी आपके पास होना चाहिए ओके नाउ सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज इन नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर आपको होना चाहिए ओके नाउ पे बैंड के बारे में इन्होंने सारा डिटेल्स यहाँ पे बताया है एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगा आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होगा आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन अयोगित की जा सकती है ओके okay, तो यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर होगा अब इसके बारे में क्लियरली इन्होंने मैंशन नहीं किया आपको नाव नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस है यहाँ पे जनरल के लिए फोर्टीन हंड्रेड ओ के लिए या नॉन क्रीमी श्रेणी जो है आपका उसके लिए ट्वेल्व हंड्रेड एंड एस सी या बाकी जो भी है उनके लिए थाउजेंड रुपीज फीस है यहाँ पे ओके okay, नाओ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का सिलेबस की बात कर लेते हैं तो पार्ट ए का सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिविल वाले आई थिंक यहाँ पे कुछ हैं सब्जेक्ट्स एंड पार्ट बी के अंदर जी के है यहाँ पे ओके एंड मैथमेटिक्स है रीजनिंग है करंट अफेयर है पूरा डिटेल के अंदर नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं देर विल बी वन पेपर कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्टस हैविंग मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं आपके देर विल बी टोटल वन फिफ्टी नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ थ्री मार्क्स ईच द क्वेश्चन पेपर विल बी ओनली इन इंग्लिश तो इंग्लिश में पेपर होने वाला है आप देख सकते हैं पार्ट ए जो इन्वायरमेंटल साइंस का है उसके 120 क्वेश्चन आएंगे एंड जो पार्ट बी जीके का है उसके आपको 30 क्वेश्चन आएंगे टोटल टाइम तीन घंटे एंड एक क्वेश्चन जो है तीन मार्क्स का होने वाला है ओके ना जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए यहाँ पे जिसमें बीटेक वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है एट्टी सिक्स वैकेंसी so है सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट ए के अंदर कुछ सिलेबस गिवन है ये आपका ऑलमोस्ट सिविल इंजीनियरिंग वाला सिलेबस है ओके एंड पार्ट बी के अंदर सेम जीके क्वांट रीजनिंग आपका एंड इसमें भी वही सेम आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है ओके okay, सो so ये था इस एप्लीकेशन फॉर्म या नोटिफिकेशन की डिटेल्स अगर आपको कोई डाउट है देन बेसिकली यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और अगर आप इस पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि योर पी आपको हेल्प करे देन यू कैन कॉन्टैक्ट एट गिवन नंबर आपको फुल फ्लैज कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा ओके सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद योर पी एजुकेशन